कैसे हो आप लोग दोस्तों। आप में से बहुत से बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे पीईबी के कोर्स का। पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। और सबसे बड़ी बात है कि इसका लाइव कोर्स लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं? लाइव कोर्स लेके आ रहा हूं। मैंने बोला था जब लाऊंगा बेस्ट लाऊंगा, तो वो डेट है जिस दिन वो कोर्स आ रहा है वो है 10th of January। 10 जनवरी से पीईबी का मतलब न्यू ईयर में एक तरीके से गिफ्ट समझ सकते हो कि पीईबी का कंप्लीट 2 महीने का कोर्स लेके आ रहे, जिसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हो आपको पता है। आप ऑटो कैड भी सीखने वाले हो, स्टेट प्रो सीखने वाले हो, ई टैप सीखने वाले हो, टेक्ला स्ट्रक्चर सीखने वाले हो, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर सीखने वाले हो, और साथ ही साथ आईएस कोड के सारे क्लॉजेस जो जो पीईबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे कनेक्शन के क्लॉजेस जो जो पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे डिटेल सिलेबस यहां शेयर कर दे रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे सर 2 महीने में आप ऑटोकैड भी पढ़ा देंगे, टेक्ला भी पढ़ा देंगे, टेक्ला डिजाइनर भी पढ़ा देंगे, ईटीएफ और स्टेट प्रो भी पढ़ा देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? यस, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर कैसे करेंगे भाई? ये कोर्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीईबी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पीईबी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब ईटीएफ में भी केवल पीईबी का काम करोगे, स्टेट में भी केवल पीईबी, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में भी केवल पीईबी, टेक्ला स्ट्रक्चर्स में भी केवल पीईबी। हर एक सॉफ्टवेयर में पीईबी एक छोटा सा अलग से पार्ट होता है। तो सारे सॉफ्टवेयर क्यों सिखा रहा हूं मैं, मतलब एनालिसिस के 3 सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं, कौन कौन से? स्टेट प्रो, ईटीएफ्स और टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। आप सोच रहे होंगे सर ये 3 सॉफ्टवेयर डिजाइनर का क्यों सीखना, मतलब एनालिसिस के लिए और डिजाइन के लिए 3 सॉफ्टवेयर क्यों सीखना? ये 3 सॉफ्टवेयर गाइस आपके ही भले के लिए मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने पीईबी मान लीजिए सीख लिया और आप किसी कंपनी में गए, वो टेक्ला के ऊपर काम कर रहे हैं पीईबी में, तो आप बोल दोगे अरे यार टेक्ला तो सर ने सिखाया नहीं, हम तो स्टेट प्रो पे सीखे थे पीईबी, तो आप वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। किसी कंपनी में गए और वहां पर वो लोग ईटीएफ्स के ऊपर पीईबी का काम करते हैं, फिर टेंशन में आ गए यार सर ने तो हमको टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में सिखाया था पीईबी, ईटीएफ्स के ऊपर मैं कैसे करूं? आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। और अगर कहीं चले गए वहां पर स्टेट प्रो पे होता है और आपने टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर पे सीख रखा है, फिर से आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। सो मेरा टारगेट है कि चाहे वो कंपनी स्टेट प्रो पे कर रही हो या फिर ईटीएफ पे कर रही हो, चाहे फिर टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर पे कर रही हो, सब में मेरे बच्चों का सिलेक्शन आना चाहिए। अब ये जान लीजिए कि इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर वो यूज ही नहीं कर सकते हैं, 100% इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर में से उनको काम करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर ऑटोकैड क्यों सिखा रहे हो? भाई मैं ऑटोकैड में लाइन पॉलीलाइन सर्किल सिखाने के लिए नहीं आया हूं। ऑटोकैड में ये सिखाऊंगा कि जो टेक्ला स्ट्रक्चर्स की जो मेन ड्राइंग्स आएंगी उनको एडिट कैसे करना होगा, उनको रिप्रिंट कैसे करना पड़ेगा, पूरा फाइल बना के कैसे सबमिट करना पड़ेगा, ये सारा काम ऑटोकैड में सीखोगे। मींस जो आप एक ओल्ड ऑटोकैड आपने सीखा होगा लाइन पॉलीलाइन ऑफसेट, वो सब बेसिक्स था, वो हम सीखेंगे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ पीईबी का वर्क यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का वर्क। गाइस इसके अंदर बहुत कुछ मैंने सोचा है कि इतना ज़्यादा ऐड करेंगे, वैसे तो मार्केट में किसी के पास पीईबी है नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम सिखा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ऐसे वेयर हाउस पकड़े जाएँ, मतलब ऐसे वेयर हाउस सिखाए जाएँ, ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स जो पीईबी पर बन सकते हो सिखाए जाएँ जो एकदम यूनिक हो, ठीक है। हमारा प्लान है कि हम एयरपोर्ट के जो सेट्स होते हैं वो भी पीईबी डिजाइन करेंगे, जो आप लोग देखते होंगे बाहर आजकल बहुत अच्छे अच्छे पार्किंग स्टैंड्स बन रहे हैं वो पीईबी पे हम लोग करेंगे, पेट्रोल पंप के कैनोपीज बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वो हम लोग पीईबी में करेंगे। और उसके मतलब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीईबी में प्रैक्टिस कराया जाए। मैं 100% आपको परफेक्ट बना के छोड़ूंगा पीईबी में। मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है कि मैं जिस भी सॉफ्टवेयर को लेता हूँ, भाई जिसके पास टाइम नहीं हो मेरे पास मत आना, मैं डेडिकेट होके जब तक मैं फाइनल आपको नहीं दे दूंगा। हर एक बच्चा ऐसा होना चाहिए मेरा जो भी मेरे साथ इस बार पीईबी के इस सेमी लाइक पूरे के पूरे 2 महीने के पार्ट में ऐड हो रहा है, हर एक बच्चा पीईबी में ड्राइंग बना के सबमिट कर सके, यही मेरी रियल सक्सेस है। और जो लोग इस डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं वही आए, मुझे नहीं एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है कि जो केवल सर्टिफिकेट के लिए आए। फिर हाल सर्टिफिकेट से आता है कि आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि यूनिक सिविल आईएसओ सर्टिफाइड है, साथ ही साथ एमएसएबी से अप्रूव्ड है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का भी वर्क है आप सबको पता है, सो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ ही साथ लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। और लाइव क्लास कई लोग सोच रहे होंगे सर कितने बजे रखेंगे, तो लाइव क्लास हम लोग रखेंगे 7 to 8:30। क्या रखेंगे? 7 to 8:30। इतना लेट क्यों? इतना लेट इसलिए क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो ड्राफ्टिंग में कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई मॉडलिंग में जॉब कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, दे कैन वी ऑल्सो ज्वाइन, वो भी ज्वाइन कर सके। इसलिए 7 to 8:30 तक यूनिंग में बैच रखी गई है, और साथ ही साथ बैच के बाद भी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी
5 ईयर्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि जॉब में बहुत, उनका कभी 8 बज जाता है, कभी 7:30 बज जाता है, तो उनका कुछ छूट जाएगा तो कैसे कवर करेंगे भाई। तो उनको कवर करने के लिए हम रिकॉर्डिंग उनको, मतलब सबको ही देंगे, रिकॉर्डिंग सेशन भी देंगे, बट कोशिश करो कि लाइव अटेंड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो लाइव क्लासेस अटेंड करना है, सारा कुछ सिलेबस जो है यहाँ पर दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लो सिलेबस। और फी भी मैंने बहुत कम रखी है, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कितना, तो फी मैंने रखी है 7000। कितनी रखी है? 7000 रुपये फी रखी है। इसके अंदर लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स रहे मिल जाएगा, प्लस लाइव लेक्चर मेरा मिलेगा, मतलब लाइव, मतलब समझ रहे हो, सब लोग को पता ही आज के टाइम में लाइव लाइव लेक्चर मिलेगा, लैपटॉप पे, मोबाइल पर, चाहे जिस पर आप वॉच कर सकते हो, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी IS 800 की चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो मिलेगा, स्टील स्ट्रक्चर में जो भी मैं टॉपिक्स कवर करूंगा सारे के नोट्स आपको मिलेंगे, स्टील स्ट्रक्चर जो उसमें जितनी चीज़ें पीईवी के लिए लगने वाली हैं, चाहे मोमेंट कैसे कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे फिर सीयर, चाहे फिर बेंडिंग मोमेंट, और ये सब कुछ, डिफ्लेक्शन कहाँ पर कितना आ रहा है, इसका सबका मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। आपका वेयर हाउस है वो विंड के प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं, तो विंड का पूरा मैनुअल एज वेल एज सॉफ्टवेयर पर करके दिखाऊंगा, तो एकदम एक एक बारीकी चीजों को कवर करने वाला हूं, ठीक है। जैसा मैं पिछले अपने जितने भी बैचेस हैं मेरे सारे स्टूडेंट यहां पर वॉच कर ही रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं डिटेल में जाता हूं, इस बार और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंसान करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान इंसान अंदर जाता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर फी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ और भी जुगाड़ रखे हमने, कुछ गिफ्ट रखे। क्या गिफ्ट रखे हैं? जो भी लोग आज 15 तारीख है, 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में एडमिशन लेंगे, उनको अर्ली बर्ड, आजकल मैंने नया वर्ड नाम सुना है अर्ली बर्ड नाम से, तो जो 15 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में एडमिशन लेते हैं उनको 40% फी ऑफ रहेगा। जो 20 तारीख से 25 तारीख तक में एडमिशन लेते हैं उनके लिए, 21 तारीख से 25 तारीख तक जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनको 30% ऑफ रहेगा, और जो 26 तारीख से 30 तारीख तक लेंगे उनको 20% ऑफ रहेगा, और जो 1st of January से 5th of January तक एडमिशन लेंगे उनको 10% ऑफ रहेगा, उसके आगे जो लोग एडमिशन लेंगे उनको ऑफ नहीं रहेगा। मतलब जो जितना जल्दी एडमिशन लेकर अपनी सीट बुक कर लेगा उतना ही उसको बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उसकी फी कम हो जाएगी। तो आपका जो महंगाई वाला टेंशन था वो भी मैंने खत्म कर दिया, जो 15 से 20 के बीच में ले लेगा वो सबसे ज्यादा फायदे में है, 20 से 25 वाला ओके है, उसके नीचे आप अपने आप से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये मैंने उनके लिए किया है जो लोग मुझे जानते हैं, अब उनको तो ज्यादा टेंशन नहीं है, वो लोग फटाफट कर लेंगे तो उनका फी बच जाएगा। फी भी एक्यूरेट लगाए ना, ज़्यादा तो नहीं लगाए, आप खुद डिसाइड कर लेना। इसके अंदर मैं ऑटोकैड पूरा सिखाऊंगा, टेक्ला सिखाऊंगा, मतलब टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, टेक्ला स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर में डिटेलिंग होती है, डिजाइनर में एनालिसिस होती है। ETF सिखाऊंगा और आपको स्टैटप्रो सिखाऊंगा, IS 800 सिखाऊंगा, स्टील के जितने इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं वो सारे क्लॉज सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट कैसे करना है, कवर लेटर कैसे तैयार करना है ये भी सिखाऊंगा, पोर्टफोलियो कैसे सबमिट करना है ये भी सिखाऊंगा, टॉप कौन कौन सी कंपनियां हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कुछ ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, इंटरव्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू PEB। मतलब आप मेरे पास अगर आए तो मैं आपको PEB में इतना प्रसव कर दूंगा, इतना ज्यादा रगड़ दूंगा कि आप PEB में कुछ भी कहीं से पूछे कोई, आप उसको आंसर दे के आओगे, सिलेक्शन ले के आओगे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। नॉट श्योर कि आप उतना करते हो, लेकिन जो लोग भी डेडिकेशन के साथ मेरे 90% क्लास अटेंड कर लेंगे 100% वो PEB का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, चाहे इंटरव्यू करो चाहे PEB में आप खुद का कुछ करो, उसके लायक भी आप बन जाओगे। वैसे मैं बोलूंगा कि कुछ करने के लिए बेटर रहता है कुछ दिन तक आप थोड़ा जॉब कर लो, जॉब करने से एक्सपीरियंस गेन होता है, हाउ टू हैंडल इन मार्केट, हाउ टू सर्वाइव इन मार्केट, ये सारी चीज़ें भी सीखनी होती है। तो डेफिनेटली वो तो मार्केटिंग कैसे कर सीखने से आएगा ना, तो उसके लिए तो आपको करना चाहिए, बट मैं इतना 100% कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जिसको भी आज तक RCC में प्रॉब्लम थी या फिर स्टील में प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक बेस्ट प्रोफाइल ला दिया हूँ, दैट इज PEB प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। जाओ जल्दी, हर यार पेमेंट कर कैसे करना तो बताया ही नहीं मैंने। पेमेंट करने के लिए जो इसका यूनिक सिविल का क्या बोलते हैं ऑफिशियल अकाउंट है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ लिख दिया है मैंने। दूसरा मेथड है, ऐप के अंदर भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
और तीसरा मेथड है कि आपको क्या करना है, अब मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9792621121, ये भी यूनिक सिविल का ही है, तो यूनिक सिविल का गूगल पे चलता है, तो आप गूगल पे के माध्यम से कर सकते हो। ये सब करने के बाद जहाँ से भी आप पेमेंट किसी भी सोर्स से कर लो, मैंने सारे सोर्स यहाँ पे डिटेल में दे दे रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। क्या कर देना, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप भेज देना, दैट इज सफिशियंट। और अभी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐप में जाना है। चले गए ऐप में, जाने के बाद देखते हो नीचे होम रहता है, होम के बगल में बैचेस रहता है, राइट, तो बैचेस में जाना, बैचेस में प्लस का सिंबल रहता है तो उस प्लस के सिंबल पे क्लिक करना, वहां लिखना UCPEB, यूनिक सिविल PEB, मतलब UCPEB, और आगे लिख देना 1, ठीक है, UCPEB 1, ऐसा लिख के इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको बैच में ऐड कर लूंगा। पेमेंट करने का मेथड बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है। अदरवाइज सबसे इजी मेथड आज के टाइम में UPI है, मतलब मेरा गूगल पे 9792621121, ये भी यूनिक सिविल नाम से आएगा, आप वहां से कर लो, या फिर अकाउंट नंबर है वहां से कर लो, जहां से भी आपको सुविधा हो। फिर भी कोई समस्या आती है आपको तो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लेना मेरे से, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आओ जल्दी से 10 जनवरी से कुछ बड़ा करते हैं। इस बार मेरी कोशिश ये है कि पहले से और बेहतर किया जाए, डेफिनेटली हम लोग बेहतर है, बट और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। हो सके तो अगर आप मेरे इस जो लोग इतने लोग कमेंट कर रहे थे ना, अब अपनी ताकत दिखाना, ताकत क्या करना है, 2-4 लोगों तक शेयर कर देना यार, क्योंकि बहुत सोच समझ के बहुत टाइम निकाल के मैंने किसी तरीके से इस बैच को स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका इस पर सपोर्ट मिले। चलिए थैंक यू सो मच।